नामांकन के आखिरी दिन सोमवार को पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी रफीक जी मंडेलिया जी ने अपना नामांकन पत्र आखिरी दिन तक 14 नामांकन पत्र भरे गए। आज हमने नामांकन भरा है, अब हमारी सभा होगी। सभा के बाद में जुलूस के रूप में हम यहाँ फॉर्म भरने के लिए वापस आएंगे और सभी हमारे कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों से भी अपील है कि आप सभा में आए, रैली को देखें और कांग्रेस जन को देखें। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और चूरू विधानसभा की पूरी कांग्रेस एक साथ है। सर, पूरा किन किन मुद्दों को लेकर पूरा चुनाव लड़ा जाएगा? मुद्दा ऐसा है कि यहाँ पानी का मुद्दा है और अशोक जी गहलोत साहब की जो योजनाएं हैं उनके ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। थोड़ा और बेहतर बढ़ाना है कि कौन से मुद्दे यहाँ रहने वाले हैं, क्या कहेंगे सर? चूरू विधानसभा में जो भी विकास बाकी रहा है उसको हम पूरा करेंगे और हमारी नहर का पानी जो तारानगर तक आया है उसको चूरू विधानसभा में लाने की कोशिश करेंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब की जो योजना है, मुद्दे मुख्य वो रहेंगे, उस योजनाओं पे हम चुनाव लड़ेंगे। आपके सामने जो हरलाल सारण है उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, वो अपना चुनाव लड़ेंगे, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मैं एक बार दावे के साथ कहूंगा कि चुनाव यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जातीय समीकरण के बारे में कोई जातीय समीकरण नहीं है,